खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां 5 युवक बंद कमरे में बड़गिया पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मुखबिर से मिली थी। पुलिस ने बड़े ही शातिराना अंदाज में छापेमारी की। मौके से 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए युवकों के पास से एक 315 बोर का देसी तमंचा और कारतूस, चाकू, बक्सा, ताला तोड़ने के औजार, आग लगाने वाले यंत्र और शराब की बोतल बरामद की गई है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये सभी शातिर अपराधी हैं, पहले भी चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और अपराधियों से लूट की वारदात का ब्यौरा जानने का काम करेगी। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। को बताना चाहूंगा कि झिझरी शमशान घाट के पास बने एक कमरे में से झिझरी प्रभारी प्रियंका राजपूत की सूचना के आधार पर हमारे थाना प्रभारी माधव नगर अनूप सिंह की टीम और दुर्गेश तिवारी जो निवार चौकी प्रभारी है, इन तीनों के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने उसी स्थान से उसी कमरे में से 5 युवकों को बगड़िया पेट्रोल पंप में लूट करने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। और साथ ही इनके पजेशन से आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, अन्य टूल्स, मोबाइल फोन, ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। शराब की पैकेट और पाउच भी बरामद किए गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले आपको जानकारी होगी कि एक बच्ची का मोबाइल जो है छुड़ा लिया गया था झिझरी क्षेत्र में, तो उस बदमाश का पता करने के क्रम में यह पता चला कि वो जो बदमाश है जिसका नाम रोहित कोल है, उसके और भी साथी हैं जो इस प्रकार से गिरोह बना करके घटनाओं को कारित करते हैं। साथ ही चोरियों को भी इन्होंने कारित किया है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समयावधि में। तो इनके पीछे हम लोगों ने मुखबिर लगाए और हमारे जो अन्य वैज्ञानिक तरीके हैं बदमाशों के बारे में पता करने के, उसके भी उस तकनीक का भी हम लोगों ने इस्तेमाल करते हुए इन सभी बदमाशों को हम लोगों ने पहले तो ट्रैक किया और इनको एक जगह हम लोगों ने देखा, इनके बारे में हमें पता चला, मुखबिर से सूचना भी हमें प्राप्त हुई। तो हमारी जो टीम है वो उस जगह जाकर के इन्होंने पूरे जो पुलिस के पेशेवर तरीके हैं उसको अपनाते हुए इन 5 बदमाशों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है।